अस्सलामुअलैकुम जी, मैं माली और मैं हमेशा की तरह लाई हूँ अपने साथ एक सुपरस्टार को और मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी बहुत अच्छी कुलीग है, तो मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको करीना जट से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है करीना? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं ट्रेजेडी बता दूँ कि जो हमारा कैमरा मैन था उस मनहूस ने दो दफा करीना के साथ इंटरव्यू उसने डिलीट कर दिया है और ये थर्ड टाइम करीना ने फिर से मुझे टाइम दिया और मैं बड़ी थैंकफुल हूँ आपके लिए। आपसे मिलना ना करें, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप हमारी बहन है, आपके लिए टाइम ही आएगा। थैंक यू सो मच करीना। अच्छा जी करीना, ये बताइए कि आप लाहौर से रिलेटेड हैं या बेसिकली लाहौर के रहने वाले हैं? लाहौरी हो? हाँ, पक्के लाहौरी हो। तो तुम्हारी रेड़े क्यों नहीं अड़ती? कभी अड़ा नहीं देते। अड़न नहीं देते? कभी नहीं अड़ती और पाके ना अड़ती नहीं हटती। अच्छा जी, तो करीना स्टार्ट आपने कब किया, कितने अरसे से? 11 साल हो गया मुझे फील्ड में। अच्छा, और कजाफी स्टेडियम से स्टार्ट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इश्क हुआ कभी आते साथ ही फील्ड में? हां यार, एडी कॉलेज वो बस मैं क्या बंदा कोई लगना नहीं होती शायद। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो फिर अच्छे आगे की पता लगा? अब आके पता लगे थे बंदे ढेर लगे बंदे थे ऐसे हैं जाने ने जिन्हें नहीं दी शॉप। हाँ, जो पहला शॉपर मेरे मुंह के बजे वही बजे है ये, वो बजे है मेरे मुंह तो कहीं कोई शॉपर चलाया वही। चले जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा जी करीना, तो ये बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। और अच्छा क्या बना लेते? बिरयानी। यानी कि खाने च भी बिरयानी तो पकाने च भी? खाने में बहुत तेज है ना, हम जो मिलता है खाई भी जाते हैं। अच्छा, फास्ट फूड बहुत पसंद है मुझे। तो मोटापा तो है नहीं आप पे फास्ट फूड का? हाँ, वो मोटापा इसलिए नहीं, कुदरती मैं इस तरह की। अच्छा। हाँ, खाया पिया लगता नहीं आप? खादा पीता खूज हजम। अच्छा जी करीना, ये बताइए कि कौन सा ऐसा मेन एक्टर है जिसके साथ आपको इरिटेशन होती है स्टेज पे? बहुत सारे हैं, तो उनका नाम नहीं लेना चाहती, फिर ऐसे अगले बंदे की दिल आजारी होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिएक्ट एक्ट नहीं देते, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है मैं किस तरह काम करती हूँ, उसके बावजूद मुझे वो इस तरह डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब तक अल्लाह ताला साथ है और तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा नहीं, मैं ये जो भी प्रोग्राम हमारा देखेंगे वो समझ ही जाएंगे जो स्टारों की हम बात, जो एक्टरों की बात कर रहे हैं, कि कई ऐसे हैं, एक आधे कुछ ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि सिर्फ हमें क्लैप हो, बाकी आर्टिस्ट जो खड़े हैं उस स्टेज पे उनको ना हो। लेकिन ये बुरी आदत होती है और वही एक्टर डिग्रेड होता है। जो एक्टर मिलके काम करते हैं उनका ड्रामा भी हाईलाइट होता है। जी बिल्कुल, ऐसे देखने वाले जो पब्लिक लोग बैठे होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि आप किसको क्यों दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे, किसी को रिएक्ट एक्ट दे रहे हैं, किसकी बात खराब कर रहे हैं, वो सारा देख रहे होते हैं। मजे से जो बंदा करता है ना उसकी ड्रामा भी अप्रिशिएट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। चलें जी, हमारा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अगर डेट पे जाने की ऑफर आए जिसमें से मैं चार स्टारों के नाम लूंगी, नसीम मिकी साहब जी, अमानत चंद साहब, नासर चुन्योटी साहब और कैसर पिया साहब, तो किसके साथ जाएंगे? नासर चुन्योटी साहब के साथ। अच्छा जी, समझ रहे हो आप? आपको कौन सी ऐसी फीमेल आर्टिस्ट है उसके साथ आपको काम करना अच्छा नहीं लगता या सबके साथ अच्छा लगता है? सब फीमेल्स के साथ काम करना अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता है हमारे ड्रामे में किसी भी लड़की को दूसरी लड़की के साथ एंट्री नहीं करवाते। आपको पता है अलग अलग होती है, सबकी लड़कों के साथ ही होती है, तो कभी मौका ही नहीं मिला। अच्छा, कि कोई डिस्टर्ब किसी करे, झुंडे खींचे हो? झुंडे फुटे हैं, झुंडे भी एंट्री फुटने हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना। चल, मैं बता दूं आप लोगों को कि गालियां माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह कह रही हूं, बहुत अच्छी गालियां बहुत देती है और ऐसी ऐसी जात की देती है, लेकिन जो गलती स्कूटी सुने कभी? हाँ, वो वाले जो बंदे आते हैं नहीं, अच्छा करती हूँ मैं तो, बड़ा मजा आता है जानने में। ऐवी थोड़ी बंदा किसी को गाली देता है, देखो मुझे कोई काम करता है ना जब बहुत अच्छा देना चाहिए, दौर ही ऐसा। हाँ, कोई इज्जत नहीं हासिल हो। हाँ, प्यार से कोई नहीं। हाँ, देनी चाहिए। मैं खुद दूंगी की देनी गालियां। अच्छा, फिर पूरी बात कर रहे हो आप तो। अच्छा जी, तो गुस्सा वैसे मैंने अभी तक तो नहीं देखा आया हुआ। वैसे मैंने आपको सच बात बताऊं, मां जी मैंने छोड़ दिया
अब मैंने बहुत चेंज कर लिया अपने आप को अब यकीन करें। अच्छा, तो लेकिन फिर भी अभी कभी कभी मुझे जब बहुत ज्यादा मैं ये बर्दाश्त हो किसी की बात गलत लगे, हाँ वो जब मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाती ना, फिर बस मैं नहीं देखती कोई प्रोड्यूसर खड़ा है, कोई डायरेक्टर खड़ा है, कोई एक्टर खड़ा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई निक्का है, बस सारे तुम्हें जाते हैं सारे जाने। चलें कोई नहीं, ये तो ऐसी ही बात है कि कोई भी बदतमीजी करेगा या जो इज्जत करेगी हाँ, तो ऐसे ही चलता है ना, कोई गलत बात करेगा तो गालियां तो बिल्कुल। सिर्फ मैं नहीं हूँ, हर लड़की की यही प्रॉब्लम होती है कि देखिए कोई भी बात गलत नहीं सुनता, यहाँ पे सब कमाने के लिए आया, अपनी मेहनत करते हैं, आप अच्छा करेंगे अगला बंदा आपके साथ 10 गुना ज्यादा अच्छा करेगा, आप एक दफा किसी को बात करेंगे मेरी तरफ से मैं 10 गुना ज्यादा तो उनके बात करूंगी। अरे कहना क्या चाहते हो, थैंक यू सो मच। मैं बल्कि आपकी बहुत थैंकफुल हूँ, आपने मुझे थर्ड इंटरव्यू दे रही है करीना, और वो जो कैमरा मैन है ना मुझे मनहूस है, उसने 2 मिनट वीडियो पहले डिलीट कर दिए। वो इतना अच्छा हमारा था और उम्मीद है कि ये भी बहुत अच्छा हुआ, ये बल्कि उससे ज्यादा अच्छा हुआ माशाल्लाह। तो आपको हमारी वीडियो, हमारा ये जो भी हमने बातचीत की है ये आपको अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हुमा जी ने तो मुझसे कहा था, उससे पहले मैं कह दूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपने हुमा जी के चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। ये ऐसे ऐसे फनकारों के पास चली जाती है ना, इनको घर बैठे सपोर्ट नहीं आता, नहीं मुझे नहीं आता, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्यारों को कैप्चर करूँ। हाँ बस यही आपकी जो आदत है ना, इस वजह से आप लोगों के दिलों में राज। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम दिया, लव यू। और ड्रामा स्टार्ट हो चुका है तो उसके बाद हम लोग आपको मिलाएंगे नेक्स्ट एपिसोड से। थैंक यू।